ESPN 9 News, मैं हूं आपके साथ मेघा। चुनावी माहौल चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। तीसरे चरण का मतदान हो चुका है, चार चरण बाकी है। आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को होने वाली है और 23 मई को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। तीसरे चरण का मतदान बीते कल यानी 23 अप्रैल को हो चुका है और इन सबके बीच पीलीभीत की सीट पर बात करेंगे आज हम आपसे। पीलीभीत की सीट जहां पर मेनका गांधी ने 2014 का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार मां और बेटे की सीट में बीजेपी की ओर से फेरबदल कर दिया गया। इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं वरुण गांधी, और वरुण गांधी को लेकर पीलीभीत की जनता का मिजाज क्या है, वरुण गांधी को लेकर पीलीभीत के मुस्लिम क्या कहते हैं। बता दें आपको, 30% मुस्लिमों की संख्या पीलीभीत में है और यही 30% आबादी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत साबित हो सकती है, जिसके पीछे की वजह मेनका गांधी का बयान है। मुस्लिमों की ABCD, चुनाव की ABCD, पार्टी की ABCD, मुस्लिमों को चुनौती, मुस्लिमों को धमकी, धर्म के नाम पर राजनीति करने का जो यहां पर हथकंडा मेनका गांधी ने अपनाया, उसका खामियाजा पीलीभीत के मुस्लिमों की वजह से बेटे वरुण गांधी को भुगतना पड़ सकता है। बता दें आपको, पीलीभीत और सुल्तानपुर ये दो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से अमूमन हर बार बीजेपी की ओर से वरुण गांधी और मेनका गांधी को ही उतारा जाता है, ताकि इन दोनों ही लोकसभा सीट पर कड़ी टक्कर ये दोनों उम्मीदवार दे सके। और इन सबके बीच में इस बार पीलीभीत का मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प है, जहां एक ओर इस सीट पर कांग्रेस ने अपनी ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। हाँ, उन्होंने अपना साथ जरूर किसी अन्य दल को दे दिया है, लेकिन अपनी ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। और इन सबके बीच में पीलीभीत की लोकसभा सीट पर वरुण गांधी के मुश्किलें बढ़ाने के लिए मुस्लिम पूरी तरह से तैयार दिखाई पड़े हैं। क्या वजह है, पीलीभीत का इतिहास क्या है, पीलीभीत की जनता क्या कहती है, यहां वोट कितने भागों में बटे हैं, और ये वोट जिस तरह से बटे हैं इसके आधार पर क्या नतीजा 23 मई को निकलकर सामने आने वाला है। 23 अप्रैल यानी बीते कल वोटिंग हो चुकी है, मतदाताओं का मिजाज क्या कहता है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, इस तरह की तमाम जानकारियां देने के लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट में आपको मेनका गांधी और वरुण गांधी के मुश्किलों को बढ़ाने वाले बयान से आपको रूबरू करवाएंगे, किस तरीके से मां के बयान को नई दिशा देने की कोशिश बेटे वरुण गांधी ने की वो भी आपको बताएंगे, और इसके साथ ही एक नजर डालेंगे पीलीभीत के वोट बैंक पर, एक नजर डालेंगे क्या रहा है पीलीभीत का इतिहास, कैसे यहां पर 1989 के टाइम से चुनावी रंग रहा है, चुनावी माहौल रहा है, सीट किसके खेमे में गई है, ये तमाम जानकारियां डालने के लिए डालिए नजर इस खास रिपोर्ट पर। पीलीभीत की लोकसभा सीट जहां इस बार बीजेपी की ओर से फेरबदल किया गया, 2014 में ये सीट मेनका गांधी के पास थी, लेकिन 2019 में ये सीट वरुण गांधी को दी गई। वरुण गांधी भले ही साल 2014 का चुनाव वरुण गांधी सुल्तानपुर से लड़े हों, लेकिन इससे पहले साल 2009 का चुनाव पीलीभीत से लड़कर ही वो लोकसभा पहुंचे। ये वरुण गांधी का पहला चुनाव था, यहीं से वो पहली बार सांसद चुने गए। यूपी में अमेठी और रायबरेली के अलावा पीलीभीत ही वो लोकसभा सीट है जिसे गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी ने एक बार फिर गांधी परिवार के ही किसी शख्स को इसी सीट से उम्मीदवार बनाया, और आज पीलीभीत पर ही हम आपसे बात करने जा रहे हैं। पीलीभीत के मुस्लिमों का बड़ा वार वरुण गांधी पर होने वाला है। पीलीभीत के मुस्लिम वरुण गांधी को लेकर बड़ा फैसला यहां पर लेने वाले हैं। बता दें आपको, ये जीत उतनी आसान भी नहीं होने वाली है जितना सोच कर बैठे हैं। मां मेनका ने मुस्लिम समुदाय को लेकर जो बयान दिया, उसका खामियाजा बेटे वरुण गांधी को भुगतना पड़ेगा, ये बात पूरी तरह से तय है। आज हम आपको बताने वाले हैं पीलीभीत में मुस्लिमों का वार वरुण गांधी की हार को कैसे तय कर सकता है। अब तक जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है उनके आधार पर मेनका गांधी के बयान से मुस्लिम समुदाय नाराज है, और मेनका गांधी के बयान का खामियाजा
वरुण गांधी को यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले तो पीलीभीत के इतिहास से हम आपको रूबरू करवाएंगे। साल 1989 से लेकर अब तक 7 बार पीलीभीत संसदीय सीट पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी या उनके बेटे वरुण गांधी ही विजयी रहे। इतना ही नहीं, हर चुनाव में इन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी के लोकसभा क्षेत्र को आपस में बदल दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी पीलीभीत के बजाय सुल्तानपुर से उतरी हैं और पीलीभीत लोकसभा सीट पर बीते 3 दशक से इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और वरुण गांधी का ही राज रहा है। यहां पर बीते कल चुनाव हो चुके हैं और वरुण गांधी का मुकाबला इस बार सपा के हेमराज शर्मा से इस सीट पर हुआ है। कांग्रेस ने यहां से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कांग्रेस ने अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल के अपना दल उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया। पीलीभीत की सीट को लेकर सपा बसपा के साथ आने से इस बार इस सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला। हालांकि वरुण गांधी के पक्ष में कई और चीजें भी हैं, लेकिन अब वरुण गांधी का परला हल्का कर देने वाली भी कई चीजें यहां पर आ चुकी हैं। बीजेपी ने रणनीति सोच समझकर ही वरुण गांधी को यहां से मैदान में उतारा। बीजेपी के इस दाव से यहां स्थानीय सांसद के खिलाफ इलाके में कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं है। सीट पर लंबे समय से मेनका गांधी का कब्जा है। 2009 में यहां से वरुण गांधी खुद भी सांसद चुने जा चुके हैं। इसका राजनीतिक फायदा इन्हें मिल सकता है, लेकिन मुस्लिम वोटरों का प्रभाव बीजेपी की नैया को डुबा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीजेपी पर मुस्लिम भरोसा नहीं करते। आज भी हमारे देश का मुसलमान बीजेपी के खिलाफ जाकर कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आता है। तो ऐसे में पीलीभीत में 30% आबादी मुस्लिम की है। 2014 के चुनाव में पीलीभीत में 16 लाख से अधिक वोटर थे, जिनमें 9 लाख पुरुष, 7 लाख से अधिक महिला मतदाता शामिल थे। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या 30% मुस्लिम वरुण गांधी की हार तय करेंगे? क्या 30% मुस्लिमों की वजह से वरुण गांधी मां मेनका गांधी की वजह से इस बार यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का स्वाद चखेंगे? बता दें आपको, मां मेनका के बिगड़े बोलों को हालांकि वरुण गांधी ने एक सही दिशा देने की कोशिश की, नहीं पता इस दिशा में वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, नहीं पता कि इस दिशा में वरुण गांधी कितना ज्यादा कामयाब हुए हैं। लेकिन सच तो ये है कि पीलीभीत में वरुण गांधी के लिए जीत की डगर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह मुस्लिमों को बताया जा रहा है। हेमराज वर्मा का परला भी वरुण गांधी के मुकाबले भारी दिखाई पड़ रहा है। बता दें आपको, मामीन का मुस्लिमों के खिलाफ बोलती है तो वरुण गांधी कहते हैं कि वोट नहीं दोगे तो भी मुझसे काम लेना मत भूलना, अगर मुझे वोट नहीं दिया तो भी मेरे से लगातार काम लेते रहना, मैं आप सबका सेवक हूं और आप सबके बिना काम करना। खैर, 23 अप्रैल को ही यहां हो चुका है फैसला इस बात का, क्योंकि मतदान हो चुके हैं बीते कल, की आखिर अब पीलीभीत के मुस्लिम वरुण गांधी के पक्ष में जाएंगे या वरुण गांधी के खिलाफ, जिसका नतीजा आगामी 23 मई को सबके सामने आ ही जाएगा। तो ये था पीलीभीत का इतिहास। यहाँ पर सीट कब कब और किसके खेमे में गई, ये तमाम जानकारियां हमने आपको दी और किस तरीके से 2019 में यहाँ की जनता का मिजाज बदलता हुआ मेनका गांधी का बयान सामने आया, जिसका खामियाजा बेटे वरुण गांधी को भुगतना पड़ सकता है, ये तमाम जानकारियां हमने आपको दी। अब इन सब के बीच में ये बात तो पूरी तरह से साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं अब जनता धर्म और जाति के नाम पर अपना वोट डालने में बिल्कुल विश्वास रखती हुई नहीं नजर आ रही। जनता अब उस नेता को कतई वोट नहीं देने वाली है जो मुस्लिम और हिंदू, सिख और ईसाई की राजनीति करने में दिलचस्पी दिखाए। जनता अब उन नेताओं के खिलाफ सीधे तौर पर खड़ी होने वाली है जो उन्हें धर्म जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करे। अब इन सबके बीच में वरुण गांधी की चाय में मुस्लिम वोटर्स की चीनी मिलती है या नहीं,
इसका जवाब मिलेगा 23 मई को जब चुनावी नतीजे आएंगे। फिलहाल के लिए आपसे तो इतना ही कहेंगे, 3 चरणों में मतदान हो चुके हैं, 4 चरणों में मतदान बाकी है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, जाने सोचें परखें, वोट देने जरूर जाएं, लेकिन किसे दे रहे हैं ये जरूर भांप लें, क्योंकि आपका एक वोट आगे आने वाले 5 साल आपका देश किस पार्टी के हाथ में जाएगा ये तय करने वाला है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।